न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। उज्जैन महाकाल की धरती, महाकाल एरिया में एक मासूम सी बच्ची करीब 11-12 साल की, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले में राजनीति भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी वो खतरे से बाहर है। होता ये है कि 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आता है, सीसीटीवी आधारित ये वीडियो होता है और वीडियो में एक मासूम सी बच्ची करीब 12 साल की रही होगी, 12 साल की बच्ची कुछ कपड़ों के टुकड़े ओढ़कर 8 किलोमीटर के एरिया में घूमती रहती है, कॉलोनी दर कॉलोनी वो घूमती रहती है। लेकिन आप हद देखिए कि उस मासूम को तन ढकने के लिए किसी ने एक टुकड़ा तक नहीं दिया। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें एक शख्स दिखाई दे रहा है, मासूम उसके पास जाती है लेकिन शायद उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्दनीय की हद तब हो जाती है जब उसके साथ दुष्कर्म हुआ, हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि ये सामूहिक दुष्कर्म है। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। मासूम बच्ची कहाँ की है, परिवार से बिछड़ गई है, ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि एक शख्स जिसने उसकी मदद की, उस शख्स का कहना है कि जब उस लड़की से उसने बात की, उसे खाने के लिए खाना दिया और तन ढकने के लिए कपड़े भी दिए, तो वो उसकी भाषा को नहीं समझ पाया। लेकिन पुलिस का कहना है कि भाषा से वो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के किसी इलाके की है, प्रयागराज की या किसी और इलाके की हो सकती है। परिवार का कुछ पता नहीं है, पुलिस कह रही है कि हो सकता है कि परिवार से बिछड़ गई हो। लेकिन इंसानियत शर्मसार होती हुई देखी गई है उस जगह पर जहां महाकाल वास करते हैं, जो महाकाल की धरती है, डांडी आश्रम जो गांधी जी की धरती है। धरती मतलब वहां पर काफ़ी ज़्यादा दिन तक गांधी जी रुके थे, महात्मा गांधी, वहां पर ये सब हो रहा है। 8 किलोमीटर के एरिया में मासूम बिना कपड़ों के, तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकती लेकिन जो तस्वीर मैंने देखी है उसे देखकर बदन सिहर उठता है, रूह कांप उठती है कि एक छोटी सी मासूम बच्ची, उसके शरीर को नोचा गया बुरी तरीके से, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए, उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। ये देखिए, ये सियासत करने के लिए तो आज खूब प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट हम देख रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन उज्जैन की धरती, यहाँ पर देवी माना जाता है, या अगर पूरे भारत की मैं बात करूँ तो पूरे भारत में ही मासूम बच्चियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, महिलाओं को देवी माना जाता है। उस धरती पर जहाँ भगवान को पूजा जाता है, जहाँ भगवान के रौद्र रूप को पूजा जाता है, वहाँ पर एक मासूम सी बच्चे के साथ दरंगी हो जाती है। बताया जा रहा है कि मासूम ने ऑटो में देखा गया था उसे, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। जो मासूम है वो बहुत डरी हुई है, वो कुछ कहने के लिए अभी उस हालत में नहीं है। हालांकि शारीरिक तौर पर वो रिकवर कर रही है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बेस्ट से बिजवा के जो SP हैं उन्होंने भी कहा है कि बेस्ट ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं और जांच पड़ताल भी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सीसीटीवी के आधार पर ही इस पूरे मामले की अभी जांच हो रही है। 8 किलोमीटर का दौरा और कुछ कॉलोनियां, मासूम ऐसा लगता है कि यहाँ इस एरिया में नहीं है और नहीं होकर वो कहीं ना कहीं इधर उधर घूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, भाषा वो समझ नहीं सकती है। हालांकि जो शख्स हमें जिसके बारे में हमने जाना, पढ़ने की कोशिश की, उस शख्स ने बताया है कि मासूम मुझे मिली और उसने अपनी पत्नी को बुलाया, पत्नी बाहर आती है तब तक वो मासूम बच्ची वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे देखकर वो शख्स जो है हैरान हो जाता है कि मासूम सी बच्ची है, कुछ कपड़ों के चीथड़े ओढ़कर, जिसके शरीर से खून बह रहा है, खरोंच के निशान है, वो क्यों ऐसे घूम रही है, क्यों ऐसे भटक रही है, कोई मदद करने वाला नहीं है। हालांकि उसे किसी काम से बाहर जा रहा था, वो मोटरसाइकिल उठाता है और फिर निकल जाता है। वही लड़की उसे मासूम जो है वो शख्स को मिलती है, उसके बाद वो उसे बिठाता है, चाय नाश्ता कराता है, खाने पीने के लिए कुछ देता है, कपड़े पहनने के लिए देता है, उसके बाद पुलिस को सूचना देता है। बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, सवाल मेरा ये है, बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हो पा रही है? कभी मणिपुर, कभी दिल्ली, कभी उज्जैन, कभी कोई और जगह,
आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन महज राजनीति हो रही है। महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण चाहिए, मासूम से बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा। लेकिन हाँ, एक और इसमें खुलासा हुआ है। पुलिस का कहना है कि जो मासूम से किसी तरह वो ठीक हुई से पूछा गया, तो उसने लड़खड़ाती आवाज में, घबराती आवाज में बताया कि उसकी माँ के साथ भी गलत काम हुआ। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ इस या तो परिवार का पीछा किया गया, और जब माँ के साथ गलत काम किया तो फिर बच्ची के साथ भी गलत काम किया, या फिर ये कोई और वजह हो सकती है, कोई रंजिश हो सकती है या कुछ और। कुछ भी खुलासा अभी नहीं हुआ है, जांच फिलहाल चल रही है। हर दिन रेप के मामले देश के कोने से सामने आते हैं, हर दिन रेप हो रहे हैं, मासूम बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है। उन मासूम बच्चियों के लिए कानून भी बनाए गए, लेकिन कानून का खौफ उन दरिंदों में नजर क्यों नहीं आता है? क्यों शिवराज सिंह चौहान की सरकार लाडली योजना आप लेकर आते हैं, लाडली बीमा लेकर आते हैं, लाडलियों को लेकर ना जाने आपने कितनी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन लाडलियों को बचाने का जिम्मा अभी आपका है। उन मासूम के साथ जो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश भी आप ही को करनी है। उन दरिंदों में ऐसा खौफ होना चाहिए कि आगे वो इस तरह की हिमाकत करने से पहले, या कोई भी ऐसा शख्स है उसकी रूह कांप जाए। जिस तरह से मासूम डर रही है, मासूम लड़खड़ा रही है, आप सोचिए कि जिस मासूम के साथ इतना बुरा हुआ, इतनी दरिंदगी हुई, वो मासूम 8 किलोमीटर के दायरे में घूमे जा रही है, कोई मदद करने वाला नहीं है, क्या इंसानियत नहीं बची है हमारे अंदर? हम पूजा करते हैं, हम देवी की पूजा करते हैं, हम पूछते हैं, आने वाले समय में नवरात्रे शुरू हो जाएंगे ना, श्राद्ध के बाद फिर नवरात्रे हैं, हम पूजेंगे, हम ढूंढेंगे कि हाँ मासूम कन्या कोई मिल जाए, कोई 10 साल की, कोई 12 साल की, कोई 8 साल की, कोई 9 साल की कन्या मिल जाए, ताकि हम पूज लें और जो हमने मन्नत मांगी है माता रानी से वो पूरी हो जाए। सिर्फ ये करना भर काफ़ी नहीं है, उनकी रक्षा करना ज़रूरी है, उनकी सुरक्षा करना बेहद ज़रूरी है। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। मंदिरों में आप जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके आसपास क्या हो रहा है, इंसानियत को जगाना ज़रूरी है। इंसानियत नहीं जागेगी तो आगे फिर ऐसी ही दरिंदों के शिकार मासूम बेटियां होती रहेंगी। हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें खुद खड़े रहना होगा। मासूम के साथ जो हुआ उसकी सज़ा उन दरिंदों को मिल जाएगी, ठीक है, कानून अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन इंसानियत होने के नाते, इंसान होने के नाते, क्या वो लोग आंखें बंद करके बैठे थे जिन मासूमों के, जिन दरवाजों पर मासूम पहुंची थी, मदद मांग रही थी, ठीक है, बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसके साथ हुआ ऐसा कि उसकी आत्मा तक को चोट पहुंची, लेकिन देखने से तो पता चल जाता है ना कि हाँ मासूम किसी मुसीबत में है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, और आप मदद नहीं कर सकते, आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, पुलिस को बुलाइए, पुलिस अपने आप छानबीन कर लेगी, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हर किसी के पास फोन है, हर कोई स्मार्टफोन चला रहा है, कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं आप। कई बार तो ऐसा होता है कि पुलिस नाम भी आपका खुफिया रखती है, नहीं बताती सुरक्षा कारणों की वजह से। तो थोड़ा सा इंसानियत ले आइए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मणिपुर हो, इंसानियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है आप देवी मानते हैं बच्चियों को, महिलाओं को, लेकिन इंसान मानना भी ज़रूरी है, पहले इंसान मान लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। देश का मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था, बताना ज़रूरी था। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बेटी को इंसाफ कैसे मिलना चाहिए।